गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल न्यूज़ वी इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ खास जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि पिछले 3 दिनों से मैंने इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो के अंत में मैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ दो जो थी लगभग मैं सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आज से ये नया लागू किया है क्या कि मैं वीडियो के अंत में ना देकर शुरू में दूंगा। और मैंने पिछले दिनों ही बताया था कि 2 से बढ़ाकर मैं 5 तरह का इन्फॉर्मेशन दूंगा जो एग्जाम से जुड़ा हो और देश दुनिया से जुड़ा हो। ये जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके आप सभी के लिए जो बैंकिंग तैयारी या और तरह का एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उसमें से आज आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, 5 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि महंगाई भत्ता, जिसको डीएनएस अलाउंस बोला जाता है, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, लगभग 24 लाख केंद्रीय कर्मचारी मौजूदा समय में भारत सरकार में कार्यरत हैं, उन सभी को 2021 जनवरी तक उनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत सरकार ने ये फैसला अपना जारी रखा है। सेकेंड न्यूज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास के लिए अपने देश के लिए। सेकेंड न्यूज में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 को की गई, 19 दिसंबर 1966 को की गई, जिसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जिसके वर्तमान प्रेसिडेंट मासात्सुगा असाकाकोवा हैं। एडीबी ने भारत सरकार को पॉवर्टी से लड़ने के लिए लगभग 11,400 करोड़ रुपया, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है, जो गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे भारत एडीबी में मौजूदा समय में लगभग 68 कंट्री इसके सदस्य हैं। यह लोन भारत सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण भारत सरकार ने एडीबी को धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद थर्ड न्यूज़ में लगभग ये एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और भारतीयों के लिए है। भारत सरकार के स्वास्थ्य महकमा के द्वारा आज इसका एडवाइजरी जारी किया गया और एक इंफॉर्मेशन दी गई, जिसमें कहा गया है कि जितने भी हॉटस्पॉट जिलों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। मौजूदा समय में भारत सरकार के पास अभी 129 जिले रह गई, उससे पहले लगभग 170 जिले थी, जो लगातार घटते हुए 129 तक पहुंच गई। ये काफ़ी भारत सरकार के लिए सराहनीय कार्य है और एक गुड न्यूज़ के रूप में देखा जा सकता है, खास करके कोरोना वॉरियर्स के लिए। फोर्थ न्यूज ये भारत का मान और सम्मान के लिए है कि WHO ने इस घटना को अंजाम दिया। WHO ने चीन का नया मैप जारी कर लद्दाख को चीन का अभिन्न अंग माना है, जिसके कारण से भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध किया है और अपील किया है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। WHO ने ही इस कोरोना महामारी में सबसे बड़ा योगदान दिया फैलाने के लिए, उसने भी बहुत सारे सबूत छिपाए, चाइना के फेवर में काम किया, जिसके कारण से ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैलते जा रहा है और एक वैश्विक संकट महामारी बनकर उभरा है। और ये पांचवा और आखिरी खबर जो कि भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, RBI ने स्वैप करेंसी जारी कर मालदीव को 150 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है। ये भारत सरकार के RBI जो सेंट्रल बैंक है उसने जारी किया है स्वैप करेंसी के माध्यम से। ये पांच खबर जो था ये आपको मैंने इस प्रकार दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो आने वाले संभावित एग्जामों में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं आज का एडवांस बैंकिंग एप्लीकेशन शुरू करने वाला हूँ। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से दिखा जा रहा है, इसमें से फर्स्ट एब्रिविएशन NCD है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। ये जितनी भी कंपनियां हैं इनको जारी करती है इस डिवेंचर को। नेक्स्ट है VRIO, वैल्यू रेरिटी इमेटिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है ये। BTP, बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के तहत बिजनेस ट्रांजेक्शन सभी पूरे किए जाते हैं। नेक्स्ट है NEA, नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स, एक तरह का ये शर्त है, गैर अनार्थिक शर्त। REEP, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये एक तरह का रेट है जो एक्सचेंज में इसकी आवश्यकता पड़ती है।
एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक टैक्स है जो ट्रांजैक्शन पे लिया जाता है। यूएसबी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच जो खोले गए हैं बैंकों के उस उन्हीं को अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच कहा गया है। टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। नेक्स्ट है टीपीएफ ट्रेड पॉलिसी फोरम, यह एक फोरम है जो ट्रेड पॉलिसी जारी करती है। नेक्स्ट है टीडीएस, जो सभी लोग इसके वाकिफ है। टीडीएस भारत सरकार ने इस बार इस बजट में एक नया डिसीजन लिया है टीडीएस के लिए। जितने भी आपका टीडीएस का अर्निंग है, लगभग पहले 10,000 में तक इंटरेस्ट होती थी या बैंक से जो भी अर्निंग हम लोग कमाते लेते थे उसमें से 10,000 तक छूट थी, उससे अधिक होने पर टीडीएस कट दी थी। लेकिन भारत सरकार ने 20,000 से ना करके 40,000 कर दिए। अब 40,000 तक अर्निंग में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इसके लिए 10 नंबर जारी किया जाता है। ये 10 बैंकिंग एब्रिविएशंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले संभावित बैंकिंग एग्जामों के लिए, खास करके जितने भी IBPS RRB के एग्जाम होती हैं उसमें ये हमेशा पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं USB TDS, ये सब पहले भी पूछे जा चुके हैं और ये नेट एग्जाम से भी जुड़ी हुई एब्रिविएशंस इसको कहा जा सकता है। सो थैंक यू दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।